और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच गए हैं और कुछ देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का टारगेट भी रखा गया है। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको मंच पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद पीएम भी मौजूद होंगे। जेवर एयरपोर्ट का अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं और इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर क्या माहौल है, इसे देखिए हमारे संवाददाता मोहित भट्ट की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के लोक कलाकारों को बुलाया गया है, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और एक तरह से ये जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट देखा जा रहा है सरकार का, उसका अनावरण करेंगे। ये जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एशिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाए तो वो होगा। इस एयरपोर्ट की खास बात ये है कि ये जो है 4 जो एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश के, हालांकि ये अभी इस समय यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सटा हुआ है, उन चारों एक्सप्रेसवे से सटा हुआ होगा और ना ही सिर्फ एक एयरपोर्ट बल्कि इसके चारों तरफ जो है एक एरोसिटी बनेगी जिससे रोजगार जो है जनरेट होगा और कम से कम 50,000 से 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खास तौर पर अगर इसकी राजनीतिक पक्ष की बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो है जब से 3 फार्म लॉस को रिपील किया गया है सरकार के द्वारा, जब से रद्द किया गया, पहली रैली होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वेस्टर्न यूपी की जो स्पेसिफिक एक जाट लैंड कहा जाता है जिनके 30 जिले हैं उसको एड्रेस करेंगे कि किस तरह से फार्म लॉस रिपील करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस 30 जिलों तक पहुंचेगी, क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है इसे जाट लैंड कहा जाता है और कई जो किसान हैं वो काफ़ी समय से गाजीपुर में यहाँ से बैठे हुए थे। तो एक तरह से अगर इकोनॉमिक पक्ष देखा जाए तो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार आएगा और जो इसके 2 रनवे हैं वो सितंबर 2024 तक चालू भी हो जाएंगे। करीब 1400 हेक्टेयर के पूरे लैंड पे ये जो है एयरपोर्ट बसा हुआ है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी 1 बजे वेस्टर्न यूपी को खास तौर पे इस एयरपोर्ट के अलावा क्या क्या सौगात देते हैं। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मोहित भट्ट रिपोर्टिंग, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है और बड़ी बात यह है कि पर कैपिटा इनकम हमारे लोगों की बढ़े, तो उसके लिए जब तक इंफ्रा पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री जी का अपना संकल्प है कि हमारा उत्तर प्रदेश इस देश की विकास दर में उसकी बड़ी भूमिका हो, तो उसके लिए यहाँ इंफ्रा पर काम करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है इस प्रदेश को और तेज गति से विकसित करने का। क्या देश का सबसे तेजी से उभरता राज्य बनने के लिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लग रहे हैं। जिस तरह से कुशीनगर एयरपोर्ट बना, जिस तरह से अब यहाँ इसका शिला पूजन हम लोग हमारे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और यहाँ विकास की अपार संभावना है, यहाँ पर बहुत टैलेंट है, तो उसका लाभ पूरे देश को मिले ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर प्रदेश बड़ा पल है। निश्चित तौर से जेवर एयरपोर्ट दुनिया के जो 4 बड़े एयरपोर्ट है उस श्रेणी का एयरपोर्ट है। आज इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर मैं बहुत बहुत प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई देता हूं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह एक तरह से विकास का एक नया रास्ता, लाखों रोजगार जिसके आधार पर पैदा होंगे, जिसमें नौजवानों को अवसर मिलेगा रोजगार का, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं इसके आधार पर खड़ी होंगी। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल चुनावी उद्घाटन है और आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, किसी भी अच्छे काम को देख करके उसको सवाल उठाने की आदत है, इसलिए उनको अच्छा रहेगा कि अपने दिमाग का और आंखों का ठीक से इलाज करा करके विकास के अच्छे कार्यों को अच्छे नजर से देखें। और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित,
आज प्रदेश की जनता की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बन जाने के बाद, इसके ओपन हो जाने के बाद मौका भी मिलेगा, यहाँ पर भरोसा भी है और उम्मीद भी है युवाओं को।